आष्टा पुलिस ने चौकीदार की हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हत्या की घटना 13 मई को खेत से आम तोड़ने के विवाद में हुई थी। आरोपी दिनेश और राजेंद्र ने शराब के नशे में राधेश्याम के खेत से आम तोड़ते वक्त चौकीदार सलीम के विरोध करने पर अन्य दो साथियों के साथ हत्या कर दी थी। पुलिस ने दिनेश और आसाराम को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 12/5/2020 को सुखलिया हंसराज गांव है, उसके पास में दिनेश व रामस्वरूप नागर इनके खेत की मेड़ पे आम का बगीचा है। उस बगीचे में मृतक इनका नेपादार जो आम की रखवाली करता था सलीम, उसका शव मिला था रात को 10:30 बजे के करीब। उस संबंध में जांच के बाद में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी दिनेश वर्मा सन ऑफ चैन सिंह, दिनेश सन ऑफ राधेश्याम, राजेंद्र व आशाराम, ये चार के विरुद्ध संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा शराब के नशे में जिस आम के बगिया पे नेपादारी करता था सलीम, उस पर चढ़ के उसकी एब्सेंस में आम तोड़े इन्होंने। आम तोड़ के जैसे ही नीचे उतरे, नेपादार की इनको मोबाइल फ़ोन से गाने की आवाज़ सुनाई दी। ये भागे तो उसका विरोध करने पे इनका झगड़ा हुआ और चारों ने मिलकर डंडे और कुल्हाड़ी से उसके सर पे वार किया, जिससे उसकी घटना पर ही मृत्यु हो गई थी।